गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम्स. स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग, हाउ विल डू यू स्टडी? सो डोंट वरी अबाउट योर स्टडी, बिकॉज वी आर हेयर टू गाइड यू एंड कोऑपरेट विद यू ऑलवेज. ओके, let's start today's class. In the last session we read about the countable uncountable noun, okay, singular plural, and in this session we read about many more things about this chapter noun. Okay, let's start today's class. Come to the point. कल जो हमने पढ़ा था उसमें काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया एक्टिविटी टू का. आज हम इसके आगे पढ़ना चाहते हैं कि ए और एन का क्या यूज़ है. ठीक है, तो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन? ठीक है, एंड डू दे आर्टिकल्स ए एन एंड द दैट वी यूज़ बिफोर दैम? ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन का. ठीक है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्यों ज़रूरी है और ये आर्टिकल्स कब कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसके पहले क्यों यूज़ किए जाते हैं. चलो ठीक है, तो पढ़ते इन आर्टिकल्स का यूज़ क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ आज बताएंगे आपको. तो द आर्टिकल्स ए और एन कैन नॉट बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन. ए और एन का यूज़ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते. अनकाउंटेबल नाउन होगा तो फिर हम कैसे बताएंगे कि वो एक चीज़ है या एक से ज़्यादा. और ए और एन का मतलब ही होता है ए और एन मीन्स ओनली वन, इट इज़ स्टैंड फॉर ओनली वन. ठीक है, तो वन अगर है तो वो काउंटेबल हो जाएगा, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि अनकाउंटेबल चीज के आगे कभी ए और एन नहीं लिखेंगे. द आर्टिकल ए और एन इज़ एडेड बिफोर काउंटेबल नाउन ओनली. ठीक है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक ही बॉइल्ड एन एग, तो एन एग, एक एग हम बॉइल्ड, मतलब उसने बॉइल्ड किया एक एग. ठीक है, आई बॉट अ पेन, तो कितने पेन, एक पेन. तो ये काउंट करा जा सकता है कि पेन क्या है. ठीक है, ये तो आप जानते ही गए हो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे पढ़ते हैं. सम कैन बी यूज टू इंडिकेट अ सर्टेन अमाउंट. ए एन का यूज़ आपने सीख लिया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं. ठीक है, अब सम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट आपको बताता है, इंडिकेट करता है, कुछ अमाउंट इंडिकेट करता है. सम का मतलब ही कुछ होता है, जैसे कीप सम राइज इन दिस टीन, तो सम राइज मतलब कुछ टीन में राइज रख दो. ठीक है यार, नॉट ऑल द राइज, ओनली अ सर्टेन पोर्सन, कुछ. ठीक है, सम का मतलब है कुछ. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी में फिल इन द ब्लैंक्स ए एन और सम इन द ब्लैंक्स एंड वेयर यू डू नॉट नीड टू प्लेस अ क्रॉस. आपको ए एन और सम लिखना है उसके अप्रोप्रिएट प्लेस पर, और जहाँ कोई ज़रूरत ना हो इन तीनों चीज़ों की तो वहाँ आपको क्रॉस कर देना है. ठीक है, तो बेटा एक चीज़ दिमाग में ये भी रख सकते हो, आपके काउंटेबल होगा तो ए और एन यूज़ करेंगे, और सम का यूज़ वहाँ होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी एक अमाउंट बता सकते हैं कि कुछ. ठीक है, तो वहाँ सम का यूज़ कर सकते हैं. तो बस आपको कर देना है, और जहाँ आपको नहीं लगता है कि ना ए यूज़ होगा ना एन और सम, तो आप वहाँ पर क्रॉस लिख कर भेजोगे. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपकी एक्टिविटी है. जैसे कि मैं बताऊँ, एक लास्ट वाला बता देती हूँ. कंप्लीट द वर्क विद इन आर, कंप्लीट द वर्क विद इन आर, मतलब ये कह रहा है कि काम को पूरा करो. अब कितने घंटों में, ये तो आपको बताया जाता है ना, मैम बोलती ना एक घंटे में इतना काम कर दो, तो वही चीज़ है. तो ये आपका काउंटेबल नाउन है. ठीक है, तो काउंटेबल है, और आपको मैम ने ये भी बताया कि इसको आर बोलते हैं, एच इसका साइलेंट रहता है, आर बोलते हैं तो आ,
ओ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एच साइलेंट है तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ये वॉवेल है, और वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो क्या एन यूज़ होगा, तो आप लिख सकते हो कंप्लीट द वर्क विद इन एन आवर्स, विद इन एन आवर्स मतलब एक घंटे के अंदर कंप्लीट कर दो वर्क। ऐसे ही हम 16 नंबर लेते हैं, कीप असाइड डैश शुगर बिकॉज यू विल नीड इट लेटर। तो इसको एक मतलब इसको किनारे रख दो क्योंकि इसकी आगे आपको ज़रूरत होगी। तो शुगर किसकी बात हो रही है, शुगर की, हमें इंडिकेट करना सिर्फ शुगर को, तो शुगर क्या अनकाउंटेबल है आपको पता है, तो शुगर का ए और एन तो हम लिख नहीं सकते कि कोई एक शुगर एक दाना शुगर ऐसा तो नहीं हो सकता, शुगर एक दाना नहीं ले सकते, तो आप सम शुगर लिखोगे, क्या लिखोगे सम शुगर, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं, आज की क्लास आपको बड़ा मज़ा आया होगा आज की क्लास में क्योंकि बहुत इजी क्लास थी, तब इसकी ये एक्सरसाइज आपको करके देनी है। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।